मैं अनम्यूट नहीं कर रही हूँ सबको, ठीक है? आफ्टर द सेशन एंड तक रहना, जो भी क्वेरीज है वो लास्ट में लेंगे, ओके? ओके, हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय क्लास। नो, 5+ इट्स नॉट अलाउड टू डू दिस, ओके? ब्रेक्स के साथ नो। 12 12+ kids can join this workshop, but below 12 not. I am not going to advise you. Yeah, I am showing you. Okay, first of all, I am from Mumbai. I am giving you my little bit introduction. I am from Mumbai, based at the artist. I have my own classes, Dimple Art Creation in Mumbai, Daitar and Bulbuli. I am in this field past 20 years. I started my classes in 2004 and still going on. Okay, special, I'm a animator. Yeah, I'm an animator. But मैंने वो नहीं किया, drop out किया, animation पूरा करके. I like this art field. So I have so many activities. आप मेरे पे जाएंगे Dimple Art Creation पे, तो वहां पे आपको बहुत सारी वेरियस वेरियस फॉर्म मिलेंगे आपको. फाउंटेन्स है, क्ले म्यूरल है, कैंडल्स है, देन सोप अभी मैं लेके आ रही हूँ, स्किन केयर में भी जा रही हूँ मैं. आई लाइक टू डू दैट. बहुत सारी एक्रेलिक पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग है, देन रेजिन आर्ट है, जितने भी मार्केट में आर्ट अवेलेबल है सब मेरे पेज पे आपको मिलेंगे. आई एम स्पेशली वाटर कलर, ऑयल पेंसिल, पेंसिल शेडिंग, ऑयल पेंट, एक्रेलिक, ये आपको ज्यादा दिखेंगे मेरे पेज पे. प्रोफेशनली आई एम वर्किंग विद दैट. या तो स्टार्ट करते हैं. ये जो कैंडल्स है मैंने क्रिसमस के लिए बनाई थी. मोल्ड से भी परफेक्ट बनना इम्पोर्टेंट है. तो ये टेक्निक होती है, ये एज अ फ्लोटिंग कैंडल्स भी आप यूज कर सकते हो, और टी लाइट होल्डर्स के लिए भी आप यूज कर सकते हो. ये मोल्ड में भी परफेक्शन आना इम्पोर्टेंट है. लुक एट द टेक्सचर, आपको लगेगा ही नहीं कि ये कैंडल्स है. नो, आपको सब मोल्ड बाय करने की जरूरत नहीं है. मैं प्रोफेशनली काम करती हूँ इसलिए मेरे पास अवेलेबल है. आप अमेजोन से आप कोई भी मोल्ड आप बाय कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. सीरियस, आजकल ये बहुत ट्रेंड में है बबल कैंडल्स. हाँ, सबको मेरी वॉइस आ रही है? सबको मेरी वॉइस आ रही है? प्लीज आप मैसेज में टाइप करिए. ठीक है, तो पायल जी, शायद आपका नेटवर्क इश्यू है इसलिए आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. सब लोग बोल रहे हैं कि उनको सुनाई दे रहा है. ठीक है,
stop check kar rahi hai network. Yahan pe bhi hai pillow candle. Look at the texture. मोल्ड में से कैसे निकालना है वो भी एक टेक्निक होती है. डेजर्ट कैंडल्स ये विदाउट मोल्ड भी बना सकते हैं एंड मोल्ड से भी बना सकते हैं. ये तो मेरे पेड क्लासेस के वर्क है सब. डोंट लाइक आज मैं आपको यहाँ पे जितने भी करवाऊंगी वो बेसिक करवाऊंगी. जो बिगनर्स है इससे भी आप यू नो सेलिंग वो सब स्टार्ट कर सकते हैं. कैसे करना है वो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे. कल हम लोग जेल कैंडल पे काम करेंगे. कल ही मैं प्राइसिंग एंड वो सब कैसे करना है वो आपको बताऊंगी. ठीक है. सी ये देखिए टार्ट कैंडल. तो स्टार्ट करते हैं. ये जो आप देख रहे हैं ये वेट ग्रेन्यूल्स है. ठीक है. वेट सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है. ओके म्यूट हो गई थी. ठीक है अभी मेरी वॉइस आ गई है ना. हम लोग बात कर रहे थे वेट्स के बारे में. राइट. तो मार्केट में आपको बहुत सारे वेट्स अवेलेबल है. माइक्रो वेट्स है देन ईरान वेट्स है पैराफिन है तो चंक है. तो बहुत सारे वेट्स आपको मिलेंगे मार्केट में. पर ज्यादातर जो रेगुलर में यूज होता है सोया वेट सोय कैंडल आपको सबको पता ही है कि वो इको फ्रेंडली है. राइट. वो सब लोग ज्यादा यूज करते हैं. एंड पैराफिन जो सस्ती एंड रीजनेबल है. जो सस्ती एंड रीजनेबल है वो पैराफिन वेट्स है. ठीक है. वो चंक भी आता है. ये सब पैराफिन है. ठीक है. ग्रेन्यूल्स में आते हैं चंक में भी आता है ऐसे ब्लॉक्स में भी आता है. ठीक है. तो आज हम लोग जो काम करेंगे ना वो सोया वैक्स एक मैं दिखाऊंगी आपको एंड एक आपको दिखाऊंगी पैराफिन वैक्स. ठीक है. तो पैराफिन आप ग्रेन्यूल्स भी ले सकते हैं. इससे बिस्सी से ये मैंने मंगवाई थी ग्रेन्यूल्स. आप इसे भी यूज कर सकते हैं अगर आपको कलर मिक्स नहीं करना है तो. अगर कलर्स मिक्स करने हैं तो कैंडल्स के कलर्स भी आते हैं मार्केट में. अगर आपको इतना एक्सपेंस नहीं करना है आपको प्रैक्टिस वर्क करना है तो आप पैराफिन मंगवा लीजिए. राइट. पैराफिन बहुत ही सस्ता है प्रैक्टिस के लिए. सोया चंक महंगा है तो वो एक्सपेरिमेंट के लिए मत लेना. अगर आप सेलिंग पर्पस के लिए बनाते हो अगर आप खुद के यूज के लिए बनाते हो तो वो टाइम पे आप सोया वैक्स यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो पैराफिन यूज पैराफिन वैक्स फॉर द प्रैक्टिस पर्पस. ओके. सो
पैराफिन में आप ऑयल जो वेट्स क्रेयॉन्स आते हैं, मेरे पास वेट्स क्रेयॉन्स अवेलेबल नहीं है, मैं यहाँ पे आज कलर डाल के दिखाऊंगी आपको। आप वेट्स क्रेयॉन्स का पीस भी डाल सकते हैं, या तो आप ऐसे ग्रेन्यूल्स को मेल्ट करके भी आप अपने कैंडल्स बना सकते हैं। ठीक है, कलर्स सी, एक तो जो हम लोग के पिगमेंट आते हैं रेजिन के, ये मैंने ऑक्सिन के मंगाए थे, वो आप कैंडल्स में भी यूज कर सकते हो। रेजिन वाले पिगमेंट आप कैंडल में यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। अदरवाइज ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे कलर्स, है ये ऑयल बेस्ड कलर आते हैं कैंडल्स में मिक्स करने के लिए। ठीक है, आप वो डाल सकते हो। अदिति जी, श्योरली मटेरियल लिस्ट आपको मिल जाएगा, पहले आप सीख लीजिए, आप देख लीजिए, देन आपको जो बाय करना आप कर सकते हो। ठीक है, तो कैंडल वेट्स हो गए, कलर्स हो गए। आपके पास अगर कलर्स नहीं है, आप रेजिन में काम करते हो, तो रेजिन के कलर भी जो माइका पाउडर आते हैं वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया रेजिन पिगमेंट हो गया एंड ऑयल बेस्ड कलर हो गया। देन आती है फ्रेग्रेंस की बारी, तो फ्रेग्रेंस में आप कैंडल के जो फ्रेग्रेंस आते हैं आप वही यूज करना। ठीक है, आप एसेंशियल ऑयल भी यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है। मेरे पास वेनिला है, रोज है एंड लवेंडर है, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे अमेजोन से। आप कैंडल फ्रेग्रेंस टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा। सैंडल यूज कर सकते हैं, बहुत कुछ यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, देन ग्लिटो, आप ग्लिटो आप स्प्रिंकल करने के लिए, जैसे ये टीलाइट होल्डर है, ओके एक्रेलिक में मिलते हैं। देन एक्रेलिक के अलावा बोली बैग मतलब नहीं सम हाँ एल्यूमिनियम काइंड ऐसे हाँ लाइक करने सी। एक तो ये ऐसे फॉर्म में आता है सिलाई, एंड ये वाले आते हैं। ठीक है, ये तो आप अभी भी आज आप सीखने के बाद आप मटेरियल बाय करके आप ये सेलिंग पर्पस में भी यूज कर सकते हो। बाहर जो मिलते हैं वो पैराफिन वाले ही मिलते हैं। अगर सोया किसी को चाहिए पर्सनल यूज के लिए तो आप अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, पर जनरली सेलिंग पर्पस के लिए मार्केट में पैराफिन वाले ही आपको टिलाइट होल्डर मिलेंगे। तो आज हम लोग टिलाइट होल्डर बनाएंगे, मोल्ड में कैसे करना है वो दिखाऊंगी। देन ऐसे कंटेनर में कैसे करते हैं वो दिखाऊंगी मैं। रोज पेटल्स है, आजकल सब लोग ऐसा ज्यादा प्रिफर करते हैं, तो रोज आपने फ्रेग्रेंस डाली एंड उसको डेकोरेशन के लिए ऊपर स्प्रिंकल कर दिया पेटल्स। यस, मैं लिस्ट भी दे दूंगी आपको, डोंट वरी। ओके, आपको वो लिंक मिलेगी, उसके साथ आपको लिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। क्या देन ये हो गए नॉर्मल बेसिक कैंडल्स बनाने के लिए आपको चाहिए। और एक बार रिपीट करती हूँ मैं, बेसिक कैंडल्स बनाने के लिए फैब्रिक कलर, नो नो नो, आप कैंडल्स में मिक्स नहीं कर सकते। आप कैंडल्स के ऊपर आप पेंटिंग कर सकते हैं फैब्रिक कलर से, बट यू कांट ऐड एन अ कैंडल, वो खराब हो जाएगा। या आपको एक तो पैराफिन वैक्स चाहिए या तो सोया वैक्स चाहिए, आपकी चॉइस। ठीक है, आप ग्रेन्यूल्स भी ले सकते हैं, वेट्स क्लियर हो गया। देन आती है कलर की बारी, कलर्स में आप कोई भी पिगमेंट ले सकते हो,
लाइक माइका पाउडर ओनली, ऑयल बेस्ड, ठीक है। ये रेजिन वाले आते हैं तो ऑप्शन के मैंने देखे थे वहां पे, उन्होंने मेंशन किया था कि आप ये रेजिन के साथ यूज कर सकते हो। वन आवर ओके। नाउ नेक्स्ट इज अ कलर फ्रेग्रेंस ओके मोल्ड। एक आपको ग्लूगन चाहिए, जो ग्लूगन आती है वो चाहिए आपको स्टिक करने के लिए। विक्स, विक्स बताना भूल गई मैं आपको, सही मार्केट में ऐसे विक्स मिलती है रेडीमेड, ठीक है। आपको जितने छोटी बड़ी आपको जितने चाहिए, ये टीलाइट होल्डर के लिए है, तो आप रेडीमेड ले सकते हो। उसको आप थ्रेड से कैसे करना है वो मेरे पेड क्लास में मैं सिखाती हूँ, तो यहाँ पे मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, आई एम सॉरी, तो वो मुझे मत पूछना। ऐसी वाली फिलर्स कैंडल है मेरे पास आज, ये मैंने सब बनाई हुई है। ओके, तो इसके इस पे हम लोग डेको पेज मैं दिखाऊंगी डेको पेज कैसे करना है, ठीक है। किसी को इंटरेस्ट नहीं है कलर्स लाइक सीखने में तो वो डेको पेज भी ले सकता है। ठीक है, आज इतना हार्डवर्क करेंगे हम लोग, स्टार्ट करते हैं। ओके, जब तक वैक्स मेल्ट होके आता है हम लोग इसको प्रिपेयर कर देते हैं विक्स के साथ, ठीक है। ओके, और एक मैं मोल्ड में दिखाऊंगी, मोल्ड वाला एक बनाते हैं, ये फ्लोटिंग कैंडल्स के लिए है, मोल्ड आते हैं छोटे वाले। कल हम लोग जेल कैंडल करने वाले हैं, ये भी देखो ये मैंने मोल्ड से बनाए हुए हैं। तो क्या करना है आपको, कंटेनर में आपको जितनी विक्स लगानी है, ये बड़ा कंटेनर है, सो आई एम यूजिंग टू विक्स। ओके, यहां पे भी आप
आपको वैक्स को एल्यूमिनियम में मेल्ट करना है डबल बॉयलर में, ठीक है? वैक्स को मैं देखा जाता हूँ। हाँ तो यार स्टैंड लिया हूँ। हाँ ड्रॉबर मार्चर, ड्रॉबर मार्चर, ओके? मम्मी ना फोन तो सी, ये कर मैंने वैक्स को मेल्ट किया है, आप डबल बॉयलर में मेल्ट करना। तपेले में पानी डालिए, ठीक है? वो मैं लास्ट में दिखाती हूँ। मैं एक कंटेनर में आप पानी डालिए, ठीक है? उसको पास गैस पे रखिए, एंड और एक कंटेनर लीजिए, उसमें आप वैक्स डालिए, ठीक है? डबल, क्योंकि अगर ज्यादा वैक्स गर्म हो गई तो भी प्रॉब्लम है, तो आपकी कैंडल्स में क्रैक आएंगे या तो होलो हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होगी। सो व्हेन यू वॉकिंग विद द कैंडल ना, यू हैव टू लाइक उसको केयरफुली आपको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्ट रिमेम्बर फ्यू टिप्स, मेल्ट है ना डबल बॉयल विद अ डबल बॉयलर मेथड, ओके? वो यूज करिए, इट विल बी वेरी इजी, ठीक है? और एक टोपियो ले आओ, मैंने एक कवर ले आओ, पहनी। तो ऐसे ही कूल डाउन होने देते हैं, एटलीस्ट थोड़ा सा कूल हो जाए। इसमें मैं फ्रेग्रेंस डाल रही हूँ, आई एम एडिंग लवेंडर। अगर आपका वैक्स 200 ग्राम है, 200 ग्राम वैक्स है, तो आप फ्रेग्रेंस डालोगे 10%, 10 ml। सही, ऐसे ये कंटेनर है, इसमें पानी डाला, ठीक है? एड वाटर, गैस के ऊपर रखिए। देन अगर ऐसा, ये सपोज आपका कंटेनर है, उसमें आप वेट्स डालिए, ओके? वेट्स डाला एंड उसको आप रख दीजिए, ऐसे मेल्ट होने के बाद ये ऐसे उठा लीजिए, देन आप यूज करिए, ओके? ये मेथड आपको यूज करनी है। कलर्स हाँ, ठीक है? थोड़ा सा वेट कूल डाउन होने के बाद यूज करना। कैंडल विस्क हाँ, मैंने कैंडल कलर आप कलर डब्बा होता ना, प्लास्टिक ना होता ना, मैं बड़ा कलर सकता हमारा, मैं तुमने नहीं आप तो हाँ ना ना कैंडल कलर्स, ओके? यहाँ सॉरी, ऐसे मैंने कौन सा कलर लूँ मैं?
ठीक है, ये ऑरेंज कलर ले रही हूँ, ऑरेंज नहीं हाँ पिंक कलर ले रही हूँ मैं। मैंने ओपन भी नहीं किए हैं, बहुत सारे कलर्स तो ऐसे के वैसे ही है। मैं एक ही में नहीं था ये कर रही हूँ। ठीक है, प्लास्टिक कंटेनर लिया। आप जब मेल्ट करते हो ना तभी आप कलर मिक्स कर दो। अभी मुझे आप लोगों को यहाँ पे दिखाना है इसलिए मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। डब्बा में कैंडी स्टिक छापन समय समय डब्बा में। बहुत ही कम पिगमेंट डालना है, सी बहुत ही कम। ठीक है ना, हम इसको डालेंगे। ठीक है, ये हो गया। पीला ही बोल दो, बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास कलर्स नहीं है तो आप वेट्स क्रेयॉन्स डालो कोई भी कलर का एंड मेल्ट कर दो डबल बॉयलर मेथड से। ठीक है, हो जाएगा। ये मोल्ड वाला हो गया, कुछ भी नहीं करना है आपको। मोल्ड फिल का थ्रेड डाल के जस्ट आपको वैक्स पो कर देना है 10 सेट। क्या नेक्स्ट है? तो ले जाओ, वहां ले जाओ। मैं करी बस मुझे ठीक है। ये सॉय कैंडल है, इसमें मैं डालती हूँ रोज फ्रेग्रेंस। इसमें मैं एक भी कलर नहीं डालूंगी।
बहुत ही अच्छे स्मेल आ रही है। ठीक है, ब्रिक्स को सीधा रखने के लिए यू कैन यूज कैंडलस्टिक लाइक दिस वे। ठीक है, स्ट्रेट रखने के लिए। ओके ठीक है, ये थोड़ा सा ड्राई होने के बाद, लाइक उसके बेस पकाने के बाद, हम लोग इस पे स्प्रिंकल करेंगे रोज स्प्रिंकल्स। तो आपका ये कैंडल्स रेडी हो जाएगी। थोड़ी हार्ड होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। ठीक है, सो हार्ड। ओके, मैं स्प्रिंकल भी दिखाना है, तो स्प्रिंकल आप यहाँ पे कर सकते हो। गोल्डन सिल्वर आपकी चॉइस है, पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं, बहुत लाइट आ रही है। मैं फोटो निकाल के आपको शेयर करती हूँ। मैं अगर ग्रेन्यूअल से आज नहीं हुआ ना, तो मैं ग्रेन्यूअल का कल दिखाऊंगी। एक्चुअली ग्लास जार मुझे देखना होगा, ग्रेन्यूल से कैसे करना है ना, वो मैं कल आपको दिखा दूंगी। ठीक है, नाउ इतना सा फिनिश हो गया। मोल्ड का भी दिखाया मैंने। ठीक है, ग्रेन्यूल्स वाला कल करते हैं। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ सबको। या तो आप अपने क्वेरीज है, प्लीज राइज योर हैंड, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ।